हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। हियर एक्स एंड वाई आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन, राइट। सो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप पहले इसको लिख लेंगे वो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इन टू डी टी ओवर डी एक्स, क्लियर। डी टी से डी टी कैंसिल एंड वाई इज इक्वल टू क्या है, सॉरी एक्स इज इक्वल टू साइन टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी का क्या आएगा, कॉस टी। आपको फाइंड क्या करना है, डी टी बाई डी एक्स, सो इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, वन अपॉन कॉस टी, ये इक्वेशन वन। अगेन वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, हमें फाइंड करना है dy by dt, ऑन डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, वी है y का डेरिवेटिव dy ओवर dt इज इक्वल टू cos 2t का माइनस sin 2t, चेन रूल से हम 2t का लिखेंगे तो क्या आएगा 2 एंड t का डेरिवेटिव 1, क्लियर। सो ये इतना हो गया, यानी dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है dy by dx, सो dy by dx फाइंड करना है, इन सभी की वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए, क्या है ये dy by dt कितना, माइनस 2 साइन 2t इंटू dt by dx क्या है 1 अपॉन cos t, ओके इतना हो गया। अब देखिए माइनस 2 साइन 2t का फॉर्मूला क्या, 2 साइन t इंटू cos t इंटू 1 अपॉन cos t, ये cos t से cos t कैंसिल, तो dy by dx जो आएगा माइनस 2 इंटू माइनस 4 साइन t, ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये जो 3 था ये भी आपको इजिली समझ आ गया होगा। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।